राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पतालों में बेड न मिलने की खबरें खूब सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार बड़े पैमाने पर इस कोशिश में जुटी है कि ज्यादा से ज्यादा कोविड सेंटर बनाकर इसका समाधान निकाला जाए, लेकिन वहीं केजरीवाल सरकार का ये भी कहना है कि कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो घर पर ही आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं, और इसलिए अब दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के प्रबंधन के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। नए एसओपी के मुताबिक पॉजिटिव मरीजों का होगा आकलन। जो व्यक्ति आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की टीम फोन करके उनकी बीमारी की श्रेणी का आकलन करेगी। अगर मरीज को हल्के लक्षण है या लक्षण नहीं है तो उसको कोविड 19 सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। घर में सुविधा के अनुसार होगा आइसोलेशन। अगर डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की टीम में पाया कि मरीज के घर में दो कमरे हैं और मरीज के लिए अलग टॉयलेट है तो मरीज को होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। रैपिड टेस्ट, इस टेस्ट में नतीजा आधे घंटे के अंदर आ जाता है। ऐसे टेस्ट कराने वाले जो भी व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका वहीं पर मेडिकल ऑफिसर आकलन करेंगे और देखेंगे कि उनकी बीमारी कितनी गंभीर है। मरीज को मिलेगा पल्स ऑक्सीमीटर। टेस्टिंग सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर ऐसे मरीज को पल्स ऑक्सीमीटर देगा और उसको इस्तेमाल करना सिखाएगा। साथ में मरीज को होम आइसोलेशन के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। हॉस्पिटल में कौन से मरीज होंगे एडमिट। मध्यम लक्षण वाले सभी मामले जिनको पुरानी गंभीर बीमारी है उनको कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिट किया जाएगा। फॉलोअप के तौर पर आउटसोर्स की गई कंपनी हेल्थ सेंटर से लिंक टीम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अगले 9 दिनों तक फोन करेंगे। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए डेडिकेटेड टीम दी जाएगी। ये टीम जानकारी इकट्ठा करेगी कि मरीज के लक्षण शुरू होने के साथ कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे। दिल्ली में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे मरीजों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।